इस साल के 12वीं के रिजल्ट्स आने के बाद देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ने दूर दराज से लोग आते हैं, वहां एडमिशन के पहले ही राउंड में कॉलेज में 87% यानी कि 87% से ज्यादा ग्रेजुएशन की सीटें भर गई हैं, जिनमें सबसे अधिक नामांकन हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज में हुआ है। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीए ऑनर्स अंग्रेजी इस साल ज्यादातर छात्रों द्वारा चुने गए टॉप 5 कोर्सेज हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि एडमिशन के पहले ही दौर में डीयू कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल 85,853 उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई थी। डीयू के सभी कॉलेज में कुल 71,000 यूजी सीटें हैं। बता दें, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए सीटें कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी कि CSAS UG 2023 के तहत अलॉट की जा रही है। यूनिवर्सिटी ने कहा है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजों में अब भी कुछ सीट खाली है। किरोड़ी मल कॉलेज में सभी कॉमर्स और आर्ट्स प्रोग्राम में 1-2 सीटें खाली हैं, जबकि अन्य कैटेगरी में सभी सीटें फुल हैं। BSc ऑनर्स मैथ्स और BSc ऑनर्स बॉटनी के लिए कई सीटें खाली हैं। इसी तरह मिरांडा हाउस में भी ज्यादातर सीटें पहले ही राउंड में भर गई है। हालांकि साइंस कोर्स में अब भी कुछ सीटें उपलब्ध हैं। आंकड़ों के मुताबिक टॉप 5 कॉलेज जिनमें सबसे ज्यादा दाखिले हुए हैं वो हैं दयाल सिंह कॉलेज, हंसराज कॉलेज, गार्गी कॉलेज, रामजस कॉलेज और किरोड़ीमल कॉलेज। ऑफ कैंपस और साउथ कैंपस के कुछ कॉलेज में संस्कृत, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम की अधिकांश सीटें अभी भी खाली हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में बॉटनी BSc ऑनर्स के लिए 14 सीटें, कंप्यूटर विज्ञान के लिए 31 और इलेक्ट्रॉनिक के लिए 32, वहीं गणित के लिए 27 सीटें अभी भी खाली हैं। इसके अलावा BSc ऑनर्स जूलॉजी और साइंस में क्रमशः 17 और 12 सीटें ओपन हैं। बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी UG प्रवेश 2023 के लिए अपनी दूसरी मेरिट लिस्ट 10 अगस्त को घोषित करने वाला है।